व्यक्त व्यक्तित्व हेलो अव्यक्त पहले अदृश्य बोला अब मैं बोल रहा हूं अव्यक्त मतलब अभी अभी भीतर है आपके भीतर एक प्लान दिखाने वाला लीडर है हेलो है कि नहीं आपके भीतर फॉलो अप करने वाला एक लीडर है आपके भीतर कन्विंस करने वाला लीडर है आपके भीतर एक ऐसा लीडर है जो ग्रो कर सकता है और टीम को बहुत आगे लेके जा सकता है ऐसा है कि नहीं फिर ये पांच कैसे हुए फिर ये पचास कैसे हुए फिर ये कारवा कैसे बना ऐसे किसी का भी उठा के देख लो जीवन की यात्रा कि उसने पहले अव्यक्त था फिर उसने व्यक्त करना चालू किया अव्यक्त व्यक्तित्व आपका मैं, मैं, आप कौन है में। 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 आपका मैं पूरे विश्व के मैं से भिन्न है भाई आपका मैं, मतलब जो आप है ना वो पूरी दुनिया से अलग है आप अलग हैं आपके रेखाओं के निशान मिलते हैं क्या नहीं। आपके अंगुलियों के निशान मिलते हैं क्या आपकी एक भी अणु किसी पृथ्वी के दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता आप बहुत भिन्न हैं। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं देखो आप पे कितना इंपैक्ट होगा मुझे नहीं पता मेरे भीतर बहुत होता है जब मुझे पता चला मेरे भीतर अदृश्य व्यक्तित्व किताबों का सहारा लेना चालू कर दिया उसने अपना उघाड़ चालू कर दिया Audio's और वीडियो सुनना चालू कर दिए तो उसने अपना उगाड़ लेना चालू कर दिया और दुनिया के स्पीकर्स स्पीकर लेना चालू कर दियाड़ दिया, लेना चालू कर दिया आपका हर स्किल आपका हर नॉलेज आपका हर एटीट्यूड इसको आप अभिव्यक्त करने में ताकत नहीं लगा रहे हो इसे निकालने में ताकत नहीं लगा रहे हो नहीं ये निकल सकता है हेलो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पता है जो बात इसने कभी नहीं सुनी ना वो सुनता है तो तैसे लगता है किसके बारे में बातें हो रही है। मेरे लिए कह रहे हैं आपके लिए कह रहा हूँ जैसे एजुकेशन ट्रिप में करोड़ों लोग चले गए ऐसे आप भी एक ट्रिप में चले जा रहे हो कौन से ट्रिप में अपनी क्षमताओं को सीमा में बांध कर आप ट्रिप में चलते चले जा रहे हो फिर उन सीमाओं में बांधने से जब रिजल्ट नहीं आते तो फिर आप दोष आसपास में मनना चालू करते हो और फिर ये कोशिश करते हो जो सबसे नजदीक है पहले तो उधर फाइल और पर्ची फाड़ू प्रकृति में ये होता जो सबसे नजदीक पर्ची उस पर फाड़े मतलब पति का ऑफिस से दिमाग खराब हो क्या है अब घर पे जाके केड़ा मिल मिलते तो सबसे पहले पत्नी के चिपका क्योंकि आसपास में वो ये आपके जीवन के सारा असर सबसे पहले वहां आएगा जो सबसे नजदीक है बाहर की सारी घटनाओं का सर जब आएगा तो रिफ्लेक्शन बाहर दिखेगा आपको अपना व्यक्तित्व बाहर निकालने का समय आ गया अगर पत्थर में प्रतिमा है और वो निकल रही है तो आपके भीतर डायमंड है आपके भीतर एक लीडर है आपके भीतर स्पीकर है आपके भीतर एक कन्विंस करने वाला लीडर है आपके भीतर एक व्यक्ति है जो लोगों को भर भर के ला सकता है और दो दिन की ट्रेनिंग ऐसा प्रोग्राम जो उत्थान कर देगा लोगों का उस प्रोग्राम की तैयारी में क्या सबके लोग बराबर आएंगे क्या सब बराबर एफर्ट्स कर पाएंगे कौन कितने अनुपात में कर पाएगा जिसने अपना अदृश्य व्यक्तित्व जितना उगाड़ कर लेगा हेलो, yes. जो जितना उगाड़ कर लेगा वो उतने लोग ला पाएगा वो उतनी क्षमता से सोच पाता है वो उतनी तरीके से काम कर पाता है इसलिए मैं आपको कहता हूं जो मार्ड साहब ने भी अभी कहा था आपको अपने जीवन के मेन कोर्स को धारण करना होगा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कंफर्ट जोन मतलब क्या कंफर्ट जोन मतलब क्या जल्दी बोलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या समझते हैं कंफर्ट जोन मतलब बिना समस्याओं का जीवन एक और बोलिए खुद को बिना तकलीफ दिए जीना जहां आप अच्छा आपको सुख मिलता है आनंद मिलता है जहां अच्छा लगता है तीन बैठे बैठे हो जाए तो खड़ा होगी क्यों करूं जिस चीज में आप सेटिस्फाइड हो जाओ वो दिमाग शांत हो जाए प्रेशर नहीं लेना मूड के हिसाब से, से काम करना हर काम को पोस्टपोन करते चले जाना जो हो रहा है वो ठीक है इसमें चल रही है सुबह दिन में तीन घंटे सो सोना दिन में सोते ओ माय गॉड, उठाने की बजाय सरकाना कंफर्ट जोन समझ रहे कंफर्ट जोन को कम शब्दों में आप तक पहुंचा रहा हूं जब आप अपने जीवन में पूरी तरह से रिस्क लेना बंद कर देते हो जब आप रिस्क लेना ही बंद कर देते हो और फिर कहते तो मैं व्यापारी हूं मैं डायमंड जाऊंगा मैं काम करूंगा मैं बड़ा बिजनेस करूंगा मेरी टीम बड़ी होगी और आपने जीवन में रिस्क कुछ भी नहीं ली आपने जीवन में रिस्क कुछ भी नहीं ली मैंने 2018 में जब इस देश में आंधी और हवाएं हमारे अगेंस्ट खड़ी हुई थी दो ही साल हुए थे मैं डैमेज कंट्रोल करते हुए मैंने कहा मैं मर्सडीज बेंज लूंगा और अपने आप को साबित करूंगा कि मैंने रिस्क ली और मैं अपने आप को ग्रो करवाऊंगा मैंने रिस्क ली मैंने रिस्क ली और मैंने उस निर्णय को कभी जीवन में गलत साबित होने नहीं दिया मैंने रिस्क ली हेलो yes. मैंने रिस्क ली मुझे किसी ने दिलवाई नहीं मैंने ली क्योंकि मैं अपना अदृश्य व्यक्तित्व तो बाहर निकालना चाहता था मैंने ली यह निर्णय मैंने लिया अगर मैं अपनी सीमाओं को तोड़ूंगा नहीं साला, बंद खड्डे में मर के अपना जीवन को बर्बाद कर लूंगा मैंने रिस्क ली मैंने रिस्क ली अभी ये प्रोग्राम हो रहा था हमने रिस्क ली हमने रिस्क ली अगर आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेकर ये सोचते हो कि आप बड़े आइडियल बन जाओगे और बड़ा काम कर लोगे आपके जीवन में आपका दृश्य व्यक्तित्व में घुसने के लिए तैयार है कभी नहीं निखरेगा रे कभी बाहर नहीं आएगा जब तक आप रिस्क नहीं लोगे अगर आपने आज तक जीवन में एक भी रिस्क नहीं ली आपको प्रकृति स्ट्रेच कर ही नहीं सकती रिस्क नहीं ली तो आप कर क्या लोगे उखाड़ क्या लोगे आपसे हो क्या जाएगा रिस्क तो लेनी पड़ेगी मैंने यह नहीं बोला आप सारे इस लेवल की रिस्क ले मैं कह रहा हूं आप हो वहां से एक कदम की रिस्क तो लेनी पड़ेगी टाइम की मनी की एफर्ट्स की रिस्क ले भाई रिस्क ले रिस्क, लेओ। रिस्क लेओ। आपके जीवन में अगर आपने एक भी रिस्क नहीं ली <laughs> आपने अगर एक भी रिस्क नहीं ली और आप लोगों कह रहे हैं तो डायमंड है, तो, तो कमाल करेगा अदृश्य बातें एक दृश्य चीजें एक दूसरे में पहुंच जाती है आप रिस्क लेके समाज और सोसाइटी को यह साबित करते हो मैं इस ब्रह्मांड में अपने अदृश्य व्यक्तित्व तो को निखारने के लिए तैयार हूं आपका अदृश्य व्यक्तित्व तो, निकल ही तब सकता है बाहर जब आप रिस्क लेते हो थोड़ी रिस्क लेते हो अभी हमने दोनों ने पति पत्नी ने बातें की दो बजे सो रहे हैं तीन बजे सो रहे हैं कई महीनों से नहीं सोए रात दिन रात दिन किस चीज का नतीजा है भीतर एक वैक्सीनेशन लगा लिया किस चीज का जहां कल थे अगर वहां से आज आगे नहीं आए तो जीवन किसी काम का नहीं ये बहता हुआ जीवन नहीं है मरता हुआ जीवन है इसके लिए तपस्या और साधना लगती है अदृश्य पावर से इतने बड़े लीडर बन के बैठे हो तबका लगा रखा है यहाँ स्टेज के ऊपर आप आते हो और आपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हो अगर आपने रिस्क नहीं ली आप कैसे ग्रो करोगे आपका अदृश्य व्यक्ति तो निकलेगा कैसे आप छोटी छोटी चीजों में लगा लो इस बात को आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है हेलो yes. अगर आप मेरी किसी भी बात को झूठ साबित करना चाहो तो एक ही मिनट लगेगी अरे सर ऐसी परिस्थिति में ऐसे नहीं लिया था ओके okay. मैं कन्विंस हूं मैं आपकी जगह पाँव आपके जूते में पाँव रख के देखूंगा ओके okay. लेकिन मैं जहां खड़ा हूं वहां पूरा मानवता का संदेश है कि जिसने भी उठाया है उसने रिस्क ली जिस आदमी ने डिज्नी वर्ल्ड बनाया था वर्ल्ड डिज्नी ने उस आदमी ने अपने जीवन का सब कुछ दाऊ पे लगाया अपने सबसे बड़े सपने के लिए ये प्रकृति पता आपको क्यों नहीं दे रही सिर्फ एक वजह से आपने इसमें डाला ही नहीं कुछ मोटर पानी तब उठाती है जब मोटर पहले पानी लेती है तब वो उठा के फेंकती है भिखारी भी पांच सिक्के पहले हिलाता है तब जाके उसको कुछ मिलता है आपने रिस्क क्या ली इस अनुपात में कामयाबी मिलती है आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है जब आप रिस्क लेके काम करते हो थोड़ा और मैं तो थोड़ी रिस्क अपने बिजनेस में रिस्क क्या है अपन अच्छा लोग कैसे रिस्क लेते हैं जन्म और मरण की जहां जीवन मरण का सवाल हो वहां रिस्क ले लेते वहां मैं कभी रिस्क नहीं लेता जहां जीवन मरण हो वहां रिस्क मत लो जहां न्याय अन्याय हो वहां रिस्क मत लो जहां तबाही हो अपने चरित्र की वहां रिस्क मत लो जहां शील जाए वहां रिस्क मत लो रिस्क कहां लो मेरे अदृश्य व्यक्तित्व को मुझे बाहर प्रकट करना है इसके लिए मुझे सीमाओं ने जकड़ रखा है मुझे मर्यादाओं ने जकड़ रखा है मुझे इन बेड़ियों ने जकड़ रखा है मैं तोड़ूंगा और बाहर आऊंगा किसी को बोलने की सीमाओं ने किसी को कि सर मैं तो क्या खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता तू सेमिनार क्यों नहीं कर सकता तू मीटिंग क्यों नहीं कर सकता तू फॉलोअप क्यों नहीं कर सकता खुद का वर्कशॉप क्यों नहीं कर सकता खुद के जी क्यों नहीं कर सकता ला भीड़ को एक्साइटेड क्यों नहीं कर सकता सारा जगत कर रहा है सारी दुनिया कर रही है उंगड़े पांगड़े लूले पूले सब कर रहे हैं तू क्यों नहीं सर मेरे को तो ऐसा लगता है अपनाईन नहीं करते तू भी तो अपलाइन है आपने अपने आप के अदृश्य व्यक्तित्व को बेड़ियों में जकड़ रखा है बेड़ियों में जकड़ रखा है भाई